का जायजा ले रहे हैं हम लोग, साफ सफाई की स्थिति देख रहे हैं और ऐतिहासिक होगा इस बार का व्यवस्था, नाव पर साउंड सिस्टम लगा करके लाइट लगा करके बीच बीच में हम लोग गश्ती करेंगे। अलग अलग जगह सेंटर बनाया गया है जहाँ पर लोगों को मदद मिलेगा। फर्स्ट नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। लोक आस्था का महापर्व छठ आज दूसरा दिन खरना है। ऐसे में देखिए कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद विभिन्न घाटों का और विभिन्न पोखरों का निरीक्षण कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, खास करके मुजफ्फरपुर के वो सांसद मुजफ्फरपुर जिले से है। और ऐसे में सर आज निरीक्षण कर रहे घाटों का, कहाँ कहाँ गए जी? लोग जो नदी में बूढ़ी गंडक में अलग अलग घाट है, चाहे लकड़ी राई का घाट हो, सीढ़ी घाट हो, सब जगह हम लोग गए और अभी साहू पोखर आए हुए हैं। तो सारी जगह जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं हम लोग, साफ सफाई की स्थिति देख रहे हैं और ऐतिहासिक होगा इस बार का व्यवस्था, क्योंकि सब जगह 499 ऐसे सुरक्षा गार्ड लगाए गए जिनका काम है कि कोई भी अगर पानी में डूब रहा है तो उसको बचाने का काम करेंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे। नाव पर साउंड सिस्टम लगा करके लाइट लगा करके बीच बीच में हम लोग गश्ती करेंगे। अलग अलग जगह सेंटर बनाया गया है जहाँ पर लोगों को मदद मिलेगा, फर्स्ट एड से लेकर के सारी व्यवस्था रहेगी। तो एक अलग व्यवस्था किया गया, निरीक्षण की एक ऐसा व्यवस्था लगा सारे जगह जिला प्रशासन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। नहीं, अच्छा सब लोगों ने, अच्छा एडीएम साहब सब लोग थे और सब लोगों ने अच्छा काम किया है और हम सब मिल करके भी लगातार सब जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं व्यवस्था का जाएगा। यहाँ भी SDRF के लोग भी हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग पहले से सजग हैं। साहू पोखर काफ़ी ऐतिहासिक ये पोखर है और ये हुए हैं कि जो पोखर की पहले स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और आज सफाई का जो आलम हमने देखा यहाँ का बहुत अच्छा लगा। और भी आज कुछ काम करेंगे लोग, तो सब लोगों का उद्देश्य यही है कि जो हमारा ये धरोहर है इसको और सहेजा जाए, कैसे संवारा जाए, इस पर हम लोग काम करें। इस पोखर में खास करके देखा था साल में 1-2 लोग की जान इसमें चली जाती है, इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग उसको देख रहे हैं, आने वाले दिनों में जब पानी ख़त्म हो जाएगा बैरिकेटिंग लगा करके बीच बीच में ऐसा कुछ सेफ्टी के लिए मेजर्स लेंगे हम लोग और ये व्यवस्था होगा। बिल्कुल, तो देखिए कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद आज विभिन्न घाटों का निरीक्षण मुजफ्फरपुर कर रहे हैं। बता दें कि आज भी पोखरों का निरीक्षण करने के लिए निकल चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, लकड़ीढाई, इन सभी घाटों का उन्होंने निरीक्षण किया है। इसके बाद अब पोखरों का निरीक्षण कर रहे हैं, जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं को देख रहे हैं क्या क्या व्यवस्था है। हालांकि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद, उनका कहना है कि सारी व्यवस्था ठीक है, जिला प्रशासन के द्वारा भी साफ सुथरा पूरी व्यवस्था करवाई गई, साथ साथ बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है और हमारी मौजूदगी इस समय शाहू पोखर में, वो देखिए कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से तैयारी जो है कर लिया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग भी छठ पर्व को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि में भी और स्थानीय समाजसेवी में भी, वो लोग भी लगातार जो है इसकी तैयारी को लेकर लगातार वो करते रहते हैं और छठ को लेकर खास करके प्राव पोखर या फिर साहू जी के पोखर, इस सब पोखर की खास करके बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छी सजावट देखने को मिलती है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।